डू रिकॉर्ड फ्रॉम प्रियंका जी बुरा गुंडागर्दी कितनी हो रही है देखिए तो देखो जी एक 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 ये हमारे में महिला है जी हाँ जी किसी की विटो चलेगी जो ये कहती वैसे कर लो गुंडागर्दी कहती बताते हैं देखिए एक चीज ध्यान देने की है आरूढ़ पदा का जो कारक प्लेनेट है वो है मून तो आरूढ़ पदा जहां से भी मैनिफेस्ट होगा उसके ऊपर मून का प्रभाव पूरी तरह रहेगा स्टडी करते हुए ये समझ के चलना है कि सब हमारे चंद्रमा से पूरी तरह प्रभावित है अब चंद्रमा ही कारक है पृथ्वी पर वनस्पति का जितने भी वृक्ष हैं वो चंद्रमा के कारण ही है तो इन दोनों का बड़ा अच्छा रिलेशन है हमारे जीव का और वृक्षों का हम जो सांस लेते हैं वो सांस हम पेड़ों के द्वारा ही लेते हैं पेड़ यदि इस पृथ्वी पर नहीं हो तो हम प्राण वायु ले ही नहीं सकते और हमारे को जीवित रखने के लिए पेड़ों की पूरी उपयोगिता है गुरुजी ने पढ़ाते हुए बताया कि जिस वक्त हम सांस खींचते हैं सांस अंदर लेते हैं तो सोहम और जिस वक्त सांस बाहर छोड़ते हैं हमसा तो एक बेसिकली सोहम हमसा ये पेड़ों के और हमारे बीच में चलता है हम सांस छोड़ते हैं तो वृक्ष ग्रहण करते हैं वो सांस को होल्ड करते हैं और जिस वक्त वृक्ष छोड़ते हैं तब हम उसको सांस को ग्रहण करते हैं तो 12 तो हमने बेसिकली सीधे नक्षत्र आरूढ़ पड़े लेकिन 5 के डबल हैं तो ये 17 हो जाते हैं तो 17 आरूढ़ पदा है 17 आरूढ़ पदा है और हर आरूढ़ पदा को एक वृक्ष उसके लिए डेडिकेटेड है इस बात को तो मेरे ख्याल हम अच्छी तरह समझते हैं कि 27 नक्षत्र हैं पांच कौन से हो जाते हैं कला जी 5 बात और जो राशियां हैं उनके डबल डबल हम अरुण निकालते हैं ना जैसे वृश्चिक का मंगल और केतु से ठीक है अच्छा वो जो आपने जो हाँ आपने बताए थे 5 जी की डबल राशियां पड़ती जिनकी डबल राशि है 5 उनके डबल हो जाएंगे तो 5 वो हो गए 12 रूटीन की राशियां हो गई तो 12 और 5 17 हो गए ठीक है जी तो हर नक्षत्र वैसे 27 नक्षत्र हैं लेकिन आरूढ़ पदा 17 ही है तो 17 है हमारे को 17 वृक्ष हमारे हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं हम ये कह सकते हैं कि 17 आरूढ़ के 17 प्राण है हर एक प्राण पदा का एक वृक्ष है इसके अंदर जो हम ऐसे बोलेंगे जो आरूढ़ पदा है वो हमारा जीव हो गया वृक्ष वैसे हो गया तो जो हमारे को कंसीडरेशन है वो एनिमल वर्ड के अंदर है वृक्षों की प्लांट वर्ड हो गया तो प्लांट वर्ड को जो हम इंडिकेट करते हैं वो मरकरी से है मरकरी इज डिनोटेड फॉर प्लांट वर्ड और जो जीव वर्ड है वो वीनस से है एनिमल वर्ड ये वीनस से इंडिकेट है वीनस एंड मरकरी आर ब्रीथिंग इनटू ईच अदर वीनस छोड़ता है मरकरी ग्रहण करता है मरकरी छोड़ता है वीनस ग्रहण करता है एक दोनों के बीच में हार्मोनी है जो जीव जुपिटर को जीवित रखे हुए है जुपिटर को प्राण दे रहा है
तो यदि इस पृथ्वी के ऊपर से हम सब वृक्षों को समाप्त कर देते हैं, हमारे को सांस लेने के लिए नहीं मिलेगा और हम भी अपने अंत को ग्रहण कर लेंगे। हमारे जीवन के लिए वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है। और फॉर एवरी ह्यूमन बींग देयर मस्ट बी 17 प्लांट्स। यहां इसका संदर्भ यह आ जाता है कि जीवन के 17 अरुण पदों से हमारे कोई ना कोई क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जिस प्रकार से हम कहें कि AL से हमारा व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है, AL2 से हमारे रिसोर्सेज हैं, AL3 से हमारा पराक्रम है, इस प्रकार हर क्षेत्र के लिए एक वृक्ष उसको एनर्जी दे रहा है। 17 वृक्ष, 17 हमारे वो क्षेत्र जहां से हमारे को एनर्जी मिलती है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे को भगवान श्री कृष्ण ने दिया। भगवान श्री कृष्ण हम सब जानते हैं वृषभ लग्न के थे, वृषभ लग्न की उनकी कुंडली है, और उनका जो आरूढ़ पदा कुंभ लगन के अंदर षटभिषा राशि के अंदर है, और षटभिषा राशि का जो वृक्ष है वो कदंब है। तो भगवान श्री कृष्ण जितने भी हम उनके बचपन के चित्र देखते हैं सब कदंब वृक्ष के साथ ही हैं। यहाँ ये संदर्भ है कि जीव मात्र के हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए हमारा जो एल का वृक्ष है उसका होना, उसके नजदीक अगर हम रहते हैं, उसकी छत्र छाया में यदि हम रहते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम श्रेणी का रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये हमारे को संदेश कदम वृक्ष के साथ में दिया, उनके साथ में उनकी छत्र छाया का हमारे को संदेश दिया। पाइसिस लगन में वीनस एग्जॉल्टेड होता है, पाइसिस लगन में एग्जॉल्टेड होता है, तो इसका संदर्भ है कि जो हमारी छाती में प्राण वायु है पाइसिस लगन के अंदर हमारे को सबसे ज्यादा मिलती है। हमारी छाती, हमारा सीना वहां पर वायु से भर जाता है। और विर्गो राशि में, कन्या राशि में वीनस डेबिलिटेड है, मतलब वहां पर जाकर के हमारी प्राण वायु खत्म होती है, वो हमारा एनिमी साइन भी आ जाता है। इट इज क्लियरली शो कि जीव आत्मा को वहां पर एयर नहीं मिल रही है, जीव आत्मा को एयर मिल रही है पाइसिस में, लेकिन वर्गों में वायु मिल रही है मरकरी को, वहां पर मरकरी एग्जाल्टेड है। पाइसिस और वर्गो, इसके बीच में प्राण वायु का हमारा आदान प्रदान हो रहा है। वर्गो के अंदर हम सांस को होल्ड कर रहे हैं, पाइसिस के अंदर हम सांस को होल्ड कर रहे हैं, और वर्गो के अंदर प्लांट्स सांस को होल्ड कर रहे हैं। तो जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं तो पाइसिस के कारण है, और जब भी हम सांस को छोड़ते हैं दैट इज ड्यू टू वर्गो, कन्या राशि। अब ध्यान देने की चीज है, हमारी आंखें दूसरे भाव से, तो दूसरे भाव का नौवां भाव, दसवां भाव उसका धर्म भाव हो गया, हमारे रिसोर्सेज का धर्म भाव दसवां भाव। हमारे कान तीसरे भाव से इंडिकेट होते हैं, उसका नौवां भाव धर्म भाव, राशि का ग्यारहवां भाव। हमारे जो नाक है ये चौथे भाव में, अब उसका धर्म भाव हो गया बारहवें भाव में, चौथे का नौवां बारहवां वो उसका धर्म भाव हो गया, मतलब सांस, नाक को जो धर्म है स्मेलिंग एंड ब्रीथिंग, वो जाकर करके पाइसिस में प्राप्त हो रही है।
सिक्स हाउस एनिमी हाउस, ये हमारी सांस को बाहर लेता है। तो हमारे को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षों के साथ में मित्रता करनी जरूरी है, हमारे को उनकी टेक केयर करनी जरूरी है। यदि हम वृक्षों के साथ में मित्रता रखेंगे तो हमारी जो प्राण वायु है, हमारी जो इमेज है, हमारा जो आरूढ़ पदा है वो सुरक्षित रहेगा। ट्रीज गार्ड्स आवर प्राणास व्हेन वी ब्रीथ आउट, क्योंकि उस वक्त वो सांस को होल्ड करते हैं। इट गोज आउट टू ट्री, सो ट्री इज होल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द प्राणास एंड अदर दैट ट्री इन गिविंग एयर टू अस। उसके बाद में वृक्ष हमारे को सांस दे रहे हैं, तो ये हमारा आपस का वृक्षों के साथ संबंध होता है। अब ये चर्चा मैंने करी कि मून आरूढ़ का कारका है, मून ही नक्षत्रों का लॉर्ड है, तो इसलिए ट्रीज आर एसोसिएटेड विद नक्षत्रा, सो वी गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू नक्षत्रा। अब नक्षत्रास को इंपॉर्टेंस क्यों इतनी दी जाती है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि नक्षत्रा ही हमारे प्राणों को होल्ड करवा रहे हैं ट्रीज के माध्यम से। रिमेंबर कारका इज डुअर, सो अरुदा कैन नॉट मैनिफेस्ट स्ट्रॉन्गली इफ नक्षत्रा वेयर अरुदा इज प्लेस्ड इज वीक। संदर्भ यह है कि हमारा जो किसी भी अरुड़ पदा के अंदर प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं होता, उसके प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते, प्रॉपर इमेज नहीं बनती, तो उसका कारण है कि हमारा वो आरूढ़ पदा कमजोर है। आरूढ़ पदा कमजोर है, इस कारण से हमारा वो नक्षत्र मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। अब वो कमजोर है तो उसको हम कैसे ठीक करें, बिकॉज फीडिंग टू द अरुदा कम्स फ्रॉम द नक्षत्र वेयर इट इज प्लेस्ड। आरुढ़ा उस नक्षत्र से है जहां पर अरुढ़ा प्लेस्ड है। इसको समझने के लिए अरुढ़ा का नक्षत्र क्या होगा, जो हमारा लगन का नक्षत्र है वही अरुढ़ा का नक्षत्र है। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का हमने उदाहरण लिया, उनका जो लगन का नक्षत्र था वही कुंभ राशि में उनकी डिग्रीज बनी, जिससे कि षटभिषा नक्षत्र बना। इसको समझ पा रहे हैं ना आप? एक उदाहरण ले लेता हूं इसका, एक जो मैंने इसमें लिखा भी है। मान लेते हैं कि पाइसिस लगन, मेरा पाइसिस लगन है और वो 14 डिग्री का है। अरुड़ा लगन इन सेजिटेरियस एट 14 डिग्री इज इन पूर्वाषाढ़ा, सो दिस नक्षत्र फीड्स द अरुड़ा। अब अरुड़ा को नुकसान कैसे पहुंच सकता है, हमने जैसे शुरुआत में चर्चा करी थी कि बीज है, उसके बाद में पाकेशा है, फिर हमारा शूट है जो वृक्ष के रूप में ऊपर नजर आता है। यदि हमारा वो नक्षत्र जिसको हम जिसका अरुड़ा देख रहे हैं, यदि वो राहु से एफ्लेक्टेड है, नक्षत्र की चर्चा है यहां पर, तो राहु से एफ्लेक्टेड होने के कारण शूट एफ्लेक्टेड हो जाएगी। शूट का मतलब वृक्ष पूरी तरह पनपा नहीं है, शूट डैमेज्ड है। और यदि वो केतु से एफ्लेक्टेड है तो सीड रूट्स वो डैमेज्ड हैं, और यदि शनि से एफ्लेक्टेड है तो सप्लाई फर्टिलाइजर सोर्सेस ये कमजोर है, और क्योंकि पृथ्वी उसको पकड़ नहीं पा रही है तो पाकेशा डैमेज्ड है। हमारे को
उस आरूढ़ के पूरी तरह फल नहीं प्राप्त होंगे यदि इनमें से किसी से अफ्लिक्शन है। मैंने ये एक चार्ट दिया है, ये चार्ट अपने बाद में शेयर कर ले। वैसे हर नक्षत्र के मैंने यहां वृक्षों के नाम दिए हैं। ये विषय यहां तक समझ में आया या इसमें कोई प्रश्न रह जाता है? कैला जी ठीक है विषय? ठीक है जी, याद करके देखते हैं इसको। हाँ, संदर्भ ये है कि मतलब यहां पर 17 जैसे हमने नक्षत्रों के नाम लिए, तो हर आरूढ़ पदा के लिए एक वृक्ष है। अगर मैंने एल के लिए देखना है तो एल का वृक्ष, एल टू के लिए देखना है तो एल टू का वृक्ष, एल थ्री के लिए देखना है तो एल थ्री का वृक्ष, उस तरह से हर वृक्ष की यहां पर चर्चा है। हाँ प्रियंका, इसका मतलब ये हुआ अंकल कि जहां पे भी एल वन एल टू आएगा उसमें जो नक्षत्रा है हाँ, उसको माना जाए, उसको, उसको हाँ लेना। उसको लेना एल वन टू नहीं, ए टू, एल का दोनों चीजों में फर्क है। एल वन एल टू तो हम बोलेंगे आरूढ़ पदा से, आरूढ़ पदा से दूसरा घर, पहला घर, तीसरा घर, चौथा घर। लेकिन ए टू ए थ्री ए फोर बोलेंगे हमारी कुंडली का दूसरे भाव का आरूढ़, तीसरे भाव का आरूढ़, चौथे भाव का आरूढ़। ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर मेरा संदर्भ है कि एल का वृक्ष, ए टू का वृक्ष, ए थ्री का वृक्ष, अगर हमने जिस चीज को मजबूत करना है उसके वृक्ष को, उसके वृक्ष की छत्र छाया में यदि हम रहते हैं, मेरे को अपने रिसोर्सेज को मजबूत करना है, मेरे रिसोर्सेज कमजोर हैं, तो मैं ए टू के वृक्ष के संरक्षण में आऊंगा, उसके नजदीक, उसका पोषण, तो मेरे रिसोर्सेज वो मजबूत हो जाएंगे। यदि मैं ए टेन के वृक्ष, मतलब ए टेन कमजोर है, ए टेन का आरूढ़ कमजोर है, तो मैं ए टेन के वृक्ष को चर्चा में लूंगा। इसके बाद में आरूढ़ पदा को समझने के लिए मैं जो अभी प्रारंभ कर रहा था, हम जो देखेंगे कि आरूढ़ पदा से किस किस भाव में किन किन प्लैनेट्स का कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, इसमें विषय दो आ जाते हैं। एक तो जो आज करेंगे हम कि आरूढ़ पदा से ग्यारहवें पद का, ग्यारहवें भाव का क्या प्रभाव है, दसवें का क्या प्रभाव है, छठे का क्या प्रभाव है। इसके बाद में जो अगली क्लासेस के अंदर हम करेंगे वो ये लेंगे कि आरूढ़ पदा से सूर्य की क्या स्थिति है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, इनको देखे बगैर, चंद्रमा और सूर्य को समझे बगैर हम आरूढ़ पदा का विश्लेषण पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। वो बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी आज के जुन सा इसको हम देखते हैं। मैं स्लाइड शेयर करता हूं। आरूढ़ लगन एंड वेल्थ, आरूढ़ लगन ग्यारहवां भाव जो है हमारे गेन्स का है, हमारे लाभ का है। तो ग्यारहवें भाव से विशेष रूप से हम ये समझ सकते हैं कि मेरे आय के स्रोत कैसे हैं। जब भी हम आरूढ़ पदा किसी का भी देखते हैं, जिस भी जातक का हम आरूढ़ पदा देखते हैं, उसके ग्यारहवां भाव से हमारे को देख करके ही बड़े आराम से समझ में आएगा कि इसको आने वाली जो आय है वो लेजिटिमेट वे से है, इलेजिटिमेट वे से है। उसके अंदर कंसीडरेशन हम ग्यारहवें भाव की राशि, ग्यारहवें भाव में प्लैनेट्स, उस पर पड़ने वाली राशि दृष्टियों से संबंध रखेंगे। जैसे लिया, इफ द इलेवंथ फ्रॉम लग्न पदा इज ऑक्यूपाइड और एस्पेक्टेड बाई ए प्लैनेट, द नेटिव विल बी हैप्पी एंड रिच, वेल्थ विल कम थ्रू विट्रस, मीन्स इफ बेनिफिक इज रिलेटेड, यदि बेनिफिक प्लैनेट से संबंध है तो आय का स्रोत मेरा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और
कानूनी ढंग से होगा। ए मैलेफिक विल कन्फर वेल्थ थ्रू क्वेश्चनेबल मीन्स इफ द प्लैनेट इन द 11th हाउस और टू द 11th फ्रॉम लगन पदा टू बी इन एक्सल्शन इन ओन साइन देयर विल बी प्लेंटी ऑफ गेन्स। संदर्भ यह है, यदि मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ रहा है तो मेरे जो लाभ हैं, मेरे जो गेन्स हैं, वो क्वेश्चनेबल मीन से हैं, वो सही साधनों से मेरे को लाभ नहीं मिल रहे। यदि 11th हाउस में जो प्लैनेट्स हैं, जो उसका लॉर्ड है, वो भी एक्सल्शन में है, अपने ओन साइन में है, तो मेरे लाभ की रेशो बढ़ जाती है। इस साउंड आ रही है कहीं से? तो मेरे अंकल एक चीज पूछना था, यहाँ पे एग्जांपल आप ले लीजिएगा थोड़ा। हाँ हाँ ले लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर एग्जांपल ले लेते हैं, किसी के भी चार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। इफ ऑल द प्लैनेट्स एस्पेक्ट द 11th हाउस फ्रॉम लगन पदा द नेटिव बॉर्न श्योरली बिकम्स ए किंग और इक्वल टू ए किंग बट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज इफ द 12th फ्रॉम लगन पदा इज अनएक्सपेक्टेड। इतने का संदर्भ यह है कि यदि कुंडली के सारे ही प्लैनेट्स 11th भाव के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं तो धन संपदा इतनी होगी जिसको कह सकते हैं कि राजा के तुल्य, लेकिन कंडीशन क्या है? 12वें भाव लगन पदा से अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि 12वां भाव एक्सपेंस को दिखलाएगा। एज द 11th फ्रॉम लगन पदा इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय ए प्लेनेट देन द गेन विल बी अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड बगैर किसी बाधा के, कोई बाधा नहीं है, लाभ आता जा रहा है, मुकेश अंबानी बन जाओगे। द अमाउंट ऑफ गेन्स विल कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन और एस्पेक्टिंग द 11th फ्रॉम लगन पदा। जितने प्लैनेट्स देख रहे हैं उसके हिसाब से प्रभाव आय के ऊपर, गेन्स के ऊपर पड़ेगा। इफ देयर इज अर्गला फॉर द सेट 11th देयर विल बी मोर गेन्स वाइल ए बेनिफिक अर्गला विल ब्रिंग स्टिल मोर गेन्स। यहाँ इस लाइन के अंदर अर्गला मेरे ख्याल अभी हम सब नहीं समझ पा रहे, तो अगले क्लासेस के अंदर अर्गला को कर लेंगे। अर्गला बेसिकली हमारे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में समझने के लिए ये है कि जहाँ बेनिफिक अर्गला आ रहा है तो वो मिलने वाले रिजल्ट्स के ऊपर गारंटी दे देता है कि भाई ये रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, यदि बेनिफिक अर्गला है। यदि विरोध अर्गला है तो उतनी ही गेंस को मिलने के अंदर वो अड़चन पैदा हो जाएगी। यहाँ ये संदर्भ है, यदि 11th भाव लाभ दिखला रहा है लेकिन अर्गला यदि बेनिफिक है तब तो लाभ अनइंटरप्टेड आएगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। यदि मैलेफिक अर्गला है, विरोध अर्गला है, तो वो जो मिलने वाला लाभ है वो हमारे को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इफ द सेड बेनिफिक कॉजिंग अर्गला बी इन इज एक्सल्शन द गेन्स विल बी स्टिल हायर। इफ द सेड 11th इज एक्सपेक्टेड बाई ए बेनिफिक फ्रॉम द असेंडेंट द 9th एटसेट्रा गेन्स विल इंक्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर इन ऑल दीज केसेज द 12th फ्रॉम पदा बी साइमल्टेनियसली फ्री फ्रॉम मैलेफिक एसोसिएशन एज द 12th सिंपली इंप्लाइज टू लॉस विरोध अर्गला will create obstruction in acquiring wealth। ये conditions को explain कर रहे हैं हम यहाँ पर। यदि 11th पर पढ़ने वाली दृष्टि 9वें भाव से पढ़ रही है तो भाग्य भी support कर रहा है, यदि benefit अर्गला है support मिल रही है, exaltation के अंदर है support मिल रही है, लेकिन यदि 12th भाव active हो रहा है aspect के कारण या planets की positions के कारण तो उतना ही रिडक्शन आ रही है। हम किसी जातक की कुंडली देख करके बड़े आराम से इस चीज को डिनोट कर सकते हैं कि इसको मिलने वाला जो लाभ है ये कौन से स्रोत से है। इसमें प्रियंका तुम कह रहे हो कुंडली शेयर कर लें, एक
ये कह रहे थे तुमने आज जो कुंडली भेजी उसको ये। जानते हो उसके बारे में, हाँ उसी को लगा, उसके हाँ बारे जानती हूँ एक जानती। बार उसी को वर्कआउट कर लेते हैं। एक सेकंड जस्ट, एक सेकंड शेयरिंग करता हूं। ये कुंडली नजर आ रही है, ये नहीं आर्यन अंकल, है? नहीं, नहीं अंकल, नहीं एक अंकल। एक सेकंड, अब आ रही है। आवाज देखो ये है मिथुन लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न की कुंडली है, इसका आरूढ़ पदा है नौवें भाव में। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम कैसे है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इसका लॉर्ड हुआ मरकरी, मरकरी प्लेस्ड है पांचवें भाव में। पांचवें से जब हम पांच गिनते हैं तो नौवां भाव आ जाएगा, ये ठीक है? यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं, वो समझ में आएगी। अब इसके 11वें भाव में राहु और मून बैठे हुए हैं। अब अच्छा, आरो पदा, आरो लगन के 11वें भाव। 11वें भाव में राहु और मून बैठे हुए हैं। मून तो मैलिफिक प्लेनेट, बेनिफिक प्लेनेट है। इस व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ है, तो यहां पर मून जो है बेनिफिक है, राहु मैलिफिक प्लेनेट हो गया। अब इस पे दृष्टियां जो पड़ रही हैं, क्योंकि इस पे दृष्टि पड़ेगी द्विपदी होने के कारण, सूर्य की और केतु की, तो सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। अब दो बेनिफिक हो गए, यहां सूर्य को हम मैलिफिक नहीं लेंगे, तो इस व्यक्ति को जो आय का स्रोत है मिक्स है, इसकी इनकम के अंदर कुछ इलेजिटमेट वे, जो किसी भी कारण से ऐसे स्रोत से इसको आय आ रही है जिस पे क्वेश्चन मार्क है और लेजिटिमेट वे भी है, क्या ये ठीक है प्रियंका? लगता तो है अंकल, नाम तो बिजनेस का है मगर क्या करता है पता नहीं। मतलब ये कुछ दिन अपने पापा के साथ बिजनेस किया, कुछ दिन ये बीच पे किया, जो शिप वगैरह पे, शिप पे होती है ना सामान चढ़ाते हैं ढुलाई, जो उसमें हाँ। काम किया। अब देखिए यहां पर सन एक चीज को और इंडिकेट करता है, जैसे तुमने बताया शिप है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सोर्स भी है। हाँ करेक्ट करेक्ट, गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। हाँ, सन इज इंडिकेटिंग द गवर्नमेंट सोर्स, उसमें कुछ इलेजिटिमेटपन भी है। हो सकता है और क्योंकि ये शिपिंग का बिजनेस है तो कुछ ना कुछ होगा गड़बड़। हाँ, कुछ ना कुछ होगा। तो दूसरे ढंग से देखूं मैं, इसके ऊपर ग्रह दृष्टि आ रही है जुपिटर वीनस की, तो ये जिस वक्त जुपिटर राशि दृष्टि और ग्रह दृष्टि में फर्क क्या है, राशि दृष्टि हमारे को बतलाती है उसका परमानेंट प्रभाव, मतलब ये व्यक्ति परमानेंट तो सूर्य केतु राहु मून के प्रभाव में रहेगा, लेकिन जब जब जुपिटर वीनस का इसकी दशा अंतर दशा आएगी, तब इसके जेन्युइन वे, लेजिटिमेट वे से इनकम के साधन बढ़ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर वीनस की ग्रह दृष्टि है। इसको इस ढंग से समझेंगे। अब ये
आगे पढ़ते हैं बाकी का, किसी और की कुंडली लगा करके देखना तो उसको वर्कआउट कर लेते हैं, या इसमें समझ में आ गया तो ठीक है आगे चलें। एक और लगा लीजिए यहाँ पर बोलिए किसकी लगाऊं? लगाऊं? नहीं लगा दीजिए, या लगा दीजिए। क्या क्या बोला कैलाश जी आपने? वीनस की स्टडीज पर, वीनस की सेवन दृष्टि होती है। एक सेकंड सर, एक मिनट जी, मैं दोबारा से लगाता हूँ। वीनस की दृष्टि नहीं, वीनस की नहीं सर, जुपिटर की आएगी खाली। जुपिटर की आएगी ना? हाँ, मैं गलत बोल गया था, जुपिटर की आएगी खाली। वो जुपिटर वीनस इकट्ठा बोल गया मैं, वो गलती थी मेरी। केतु की भी पड़ेगी इस पर? केतु की तो दोनों है सर, केतु की यहाँ पर हम राशि दृष्टि का प्रभाव लेंगे दृष्टि की जगह, दोनों पड़ रही है उसकी। हाँ नहीं, वो बिल्कुल उचित है, लेकिन राहु क्योंकि सामने होने के कारण केतु की सातवीं लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केतु की हम राशि दृष्टि लेंगे जो इसके ऊपर परमानेंट प्रभाव डालेगी। ठीक है, किसकी बोल रहे थे तुम? प्रियंका, कैलाश अंकल की लगा दीजिए। कैलाश जी डाटा देंगे? देखो जी, इनको भी बता लीजिए। मेरा सर बर्थ 11/11/1957। नवंबर महीना? हाँ जी, हाँ जी। 11 तारीख? हाँ जी। साल? 1957। 1957। समय? 4:50 PM। 4:50, 12:16, 16:50, 16:50 अंकल। हाँ, 16:50 ही लिखा। पटियाला सर? पटियाला। कला जी फिर तो नजदीक से हो, मैं अंबाला से हूँ। 59 के? मैं तो आपके चरणों में, मैंने कब कहा अंबाला के? आप अलग सर, सर ऐसा है, हम तो पहले का, मैं आपके चरणों में है। चरणों में नहीं, बेसिकली तो आप शीश पे बैठे हुए हैं, नॉर्थ नॉर्थ जो है ऊपर है हमारे से। कैला जी कुंडली ठीक है? मेष लगन की कुंडली आपकी? हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ जो है मेष लगन, मंगल आपके सातवें भाव में, सातवां करके ये दसवें भाव के अंदर आपका अरुण पदा बनेगा। मकर हो गया, दसवें भाव में बनेगा। मकर, मकर मकर दसवें भाव में आपका अरुण पदा है। अब अरुण पदा से ग्यारहवां भाव आपका अष्टम भाव आ गया। यहाँ मरकरी है जो बेनिफिक प्लेनेट है, और इस पर दृष्टि जो है 1-4 ये केतु की पड़ रही है। केतु की नहीं पड़नी थी सर, राशि दृष्टि केतु की आएगी। राशि दृष्टि केतु की आएगी, और ग्रह दृष्टि आपकी किसी की भी नहीं आ रही। तो मैलिफिक के साथ ही बैठे हैं अंकल, तो मरकरी नहीं, वो नहीं बात आ रही। कला जी आपको भी आय के स्रोत दोनों किस्म के रहे क्या? हाँ जी, आय के स्रोत कठिन स्ट्रगल मेहनत के साथ, और सर मेहनत के खाते हैं हम। हाँ, देखिए सैटर्न बैठा हुआ है तो कठिन परिश्रम के साथ में आपके आय के स्रोत रहे। मरकरी है वो भी इंडिकेट कर रहा है। तो अपना प्रोफेशन कौन सा, बैंक में क्या था जी अपना? पहले बैंकर थे जी हम। बैंकर थे ना, तो मरकरी इज इंडिकेटिंग एनालिसिस, फाइनेंस, फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर इस चीज का क्लियर हो जाता है। एक सेकंड, कैलाश जी की कुंडली सेव कर लूं मैं। हाँ अंकल कर लीजिए। इसके बात की निकाय, जैसे कोई पहलवान किसी को मार रहा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। इससे लड़के देख, मैं तो पिट ही रही हूँ, इसको मार दे तू। नहीं अंकल, इसी में लड़के बैठाऊ बताओ। अंकल अंकल उसमें होगा कि इनको मारोगे तो लगेगी नहीं इनको।
एक सेकंड, अंकल राहुल सर का पता है अंकल आपको, डेट ऑफ बर्थ पता है? हाँ राहुल जी की क्या बात, उनकी चर्चा करनी है क्या? हाँ उनका ही लगाने का सोच रहे थे हम, देखें कोई बात नहीं, क्या आप चल रहा है। क्यों देख लेना, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अभी तो। प्रीत तुमको पता है भैया? पता तो है। बता जरा भैया। ऐसा है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, राहुल जी की चर्चा रिकॉर्डिंग में मत करो, सही कहीं शेयर हो जाएगी, फायदा नहीं है। बात हाँ है। अरे कभी लगा लेंगे। ठीक फिर लगा लेंगे कभी। ठीक ये हम देख रहे हैं हाँ अरूढ़ पदा से 12वां भाव। 12वां भाव हमारे को ये बतलाता है कि हमारे जो व्यय हैं, जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो किस तरह के हैं, किस तरह की मदों के ऊपर हैं। जैसे अभी कैलाजी की कुंडली देख रहे थे, तो इनका वीनस था। वीनस का संदर्भ भी आ जाता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो जेन्युइन वे में अपने, जो वीनस के बेसिकली हैं, अपने उस संदर्भ के अंदर एक्सपेंसेस हैं। यदि मैलेफिक आ जाता है तो उसके रिजल्ट अलग आते हैं। तो कैलाश जी के जैसे एक्सपेंसेस हैं वो सही जगह पर खर्च हुए हैं, कहीं उल्टी सीधी जगह पर उनके खर्चे नहीं हुए। कैलाश जी बात ठीक थी या गलत है? जितने पैसे पैसे इतने हैं जी, कहाँ ही दूसरा खर्च करते नहीं, बात संदर्भ वो हैं। है कि भी खर्चे करने का जो सा आपका वो था। अब यहाँ जैसे इफ द 12th फ्रॉम लग्ना पदा इज एक्सपेक्टेड बाई और कंजंक्ट विद जी बोथ बेनिफिक एंड मैलिफिक, देयर विल बी अबंडेंट अर्निंग बट प्लेंटी ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है जी। मतलब बेनिफिक और मैलिफिक दोनों का प्रभाव यदि आ रहा है तो खर्चे भी बहुत होंगे। अब खर्चे होने के लिए तो भी आय भी चाहिए, दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग हेयर। बेनिफिक विल कॉज थ्रू फेयर मीन्स, बेनिफिक है तो भाई सही रास्ते पे सही ढंग से खर्च हो रहे हैं। मैलेफिक थ्रू अनफेयर मीन्स एंड मिक्स्ड प्लैनेट्स थ्रू बोथ फेयर एंड अनफेयर मीन्स। मिक्स्ड हैं तो भैया कुछ सही जगह खर्च हो रहे हैं, मैलेफिक हैं तो गलत जगह खर्च हो रहे हैं। ये इस पे क्लियर इंडिकेशन आता है। इफ द 12th फ्रॉम लग्न पदा इज कंजंक्ट द सन वीनस एंड राहु, देयर विल बी लॉसेस ऑफ वेल्थ थ्रू द किंग। मतलब थ्रू द किंग का है कि भाई टैक्सेस के अंदर भी पैसा जा रहा है, किंग ने तो पैसा ऐसे ही लेना है ना, या कहीं गलत काम हुआ है। राहु जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है तो मे बी कि किसी किस्म की कोई पेनल्टी लग गई हो, कोई चालान कट गए हो, या अनफेयर मीन से टैक्सेस चला गए हो, सरकारी मद में भी खर्चे होने की संभावना वहां बन जाती है। अगर मून का प्रभाव आ जाए तो इस पे गारंटी हो जाती है। हमारे मून का प्रभाव है जिसके वो देखना पड़ेगा जी, मेरे इस वक्त ये तो ध्यान नहीं है कि मून का प्रभाव है या नहीं है। थर्ड में मून है जी। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ जी। वीनस, हाँ मून आपको देख रहा है, तो फिर तो इसका मतलब क्लियर से आपके जो एक्सपेंस हैं वो गारंटेड सरकार से संबंध पे कहीं खर्च हुए हैं, इज इट राइट? टैक्स ही ले जाती है सरकार और हाँ, क्या गारंटी टैक्स ले लिया, लेना। तो आप जी चोरी भी नहीं कर सकते, बैंकर थे। इफ हाँ जी हाँ जी मरकरी इज इन द 12th फ्रॉम लग्न पदा एंड बी विद और एक्सपेक्टेड बाय बेनिफिक, सिमिलरली देयर विल बी एक्सपेंसिस थ्रू पैटर्नल रिलेटिव्स। मरकरी है क्यों? क्योंकि मरकरी मेरे पितृ पक्ष के संबंधियों को दिखलाता है, तो यह कि मरकरी है भाई, उनके ऊपर खर्च हुए होंगे, उनके कारण खर्च हुए होंगे। और यदि उसके ऊपर मैलेफिक का प्रभाव पड़ जाता है तो वो खर्चे जो हैं डिस्प्यूट्स, झगड़े, लड़ाई, इनके कारण खर्च हुए। यदि जुपिटर 12th में है, एक्सपेक्टेड बाई अदर प्लैनेट्स, तब भी खर्चे तो यहां तो मैंने लिया है खाली की भी थ्रू टैक्सेस एंड वंस ओन अपने कारण से हैं, लेकिन जुपिटर क्योंकि धर्म का प्रतीक है तो ऐसे व्यक्ति के खर्चों के अंदर धर्म के प्रति खर्चों की स्थिति ज्यादा बन जाती है। इफ सैटर्न इज इन द 12th
फ्रॉम लगन पदा अलोंग विद मार्स एंड इज एक्सपेक्टेड बाय अदर प्लैनेट्स द एक्सपेंसेस विल बी थ्रू वन स्को बॉन्ड, मतलब अपने भाई बहनों के ऊपर, क्योंकि सैटर्न और मार्स दोनों भाई बहनों के लिए, सिबलिंग्स के लिए दर्शाते हैं। तो इस ढंग से हम हर प्लैनेट्स के ऊपर उसको कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली अगर सैटर्न है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भी एक्सपेंसेस इसके कुछ गलत जगह खर्च हो रहे हैं। राहु है तो इसको ये भी ले सकते हैं कि भी खाने पीने में, दारू पीने में, क्लब्स में मैलेफिक का ये प्रभाव आ जाते हैं, तो एक्सपेंसेस का प्रभाव वहां पर पड़ जाएगा। इस ढंग से हम इसकी लॉर्ड, अगर कोई प्लैनेट ना बैठा हो तो उसका लॉर्ड, उसके लॉर्ड को, लॉर्ड को भी देखेंगे, दृष्टियों को भी देखेंगे जी, लॉर्ड देखेंगे कहाँ बैठा हुआ है। हाँ हाँ, वही लॉर्ड को भी देखेंगे और बारहवें भाव पे पड़ने वाली दृष्टियों को भी देखेंगे। तो नेचुरली सेवंथ फ्रॉम अरुड़ा, यहां यदि अरुड़ पदा किसी का राहु और केतु के बीच में है तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि उसको पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी होगी, पेट से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ होगी, पेट उसका डिस्टर्ब होगा। जुपिटर द मून बी इन द सेवंथ फ्रॉम लगन पदा द नेटिव विल बी फेमस इवन आफ्टर डेथ। ये बहुत बड़ी बात है, जिसके भी लगन पदा में जुपिटर का संबंध आ रहा है वो मृत्यु के बाद भी याद रखा जाएगा। इसकी कुंडलियां तो थोड़ा सा मैं निकाल के रखता हूं कि किनके ऐसे, लेकिन देखता हूं अगर महात्मा गांधी जी की कुंडली है उनका क्या यही स्थिति थी क्या, एक सेकंड। ये महात्मा गांधी की कुंडली नजर आ रही है क्या? प्रियंका अंकल आ रही है, कुंभ लगन की कुंडली अंकल, ये लिब्रा लगन की है। सॉरी सॉरी, ये 11 देख लिया, सॉरी लिब्रा की है। हाँ लिब्रा लगन की है ना, तो इनका इनका अरुण पदा के अंदर मून आ रहा है, शुक्र इनके लगन में बैठा हुआ है। और हाँ जी क्या बोला आपने, जुपिटर भी दृष्ट कर रहा है? नहीं, जुपिटर कहाँ दृष्ट कर रहा है, सेवंथ हाउस से, सेवंथ हाउस से वो तो लगन को देख रहा है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ, अरुण पदा के अंदर मून है तो, लेकिन गज के इसी योग बन जाता है क्योंकि केंद्र के अंदर है, तो मून के कारण महात्मा गांधी जी आज दिन तक प्रसिद्ध हैं। ये तो डिक्टम यहीं पर पूरा हो जा रहा है, जुपिटर द मून बी इन द सेवंथ फ्रॉम लगन पदा, इनके सेवंथ में नहीं है, लगन में, लगन पदा में बैठे हुए हैं, तो नेटिव विल बी फेमस इवन आफ्टर डेथ। बेनिफिक और मैलिफिक इफ एग्जाल्टेड इन द सेवंथ फ्रॉम लगन पदा द नेटिव विल बी एफ्लुएंट एंड बी फेमस। यहां पर बेनिफिक और मैलिफिक इफ एग्जाल्टेड इन द सेवंथ फ्रॉम लगन पदा द नेटिव विल बी, इनके सातवें में तो केतु है, प्रेजेंस एनी ऑफ जुपिटर वीनस एंड मून बी इन द सेवंथ फ्रॉम लगन पदा द नेटिव विल बी वेरी वेल्दी। मून जुपिटर और वीनस इन द सेवंथ कॉजेज प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। मून जुपिटर और वीनस है अरुण पदा से सातवें पर, तो प्रॉस्पेरिटी भी होगी, वेल्थ भी होगी। इफ राहु इज इन द सेवंथ ट्वेल्थ फ्रॉम लगन पदा और एस्पेक्टेड वन ऑफ द सेड हाउस इज द नेटिव विल बी एंडाउड विद स्पिरिचुअल नॉलेज एंड बी वेरी फॉर्चुनेट। इनके लगन में ही है तो, लेकिन महात्मा गांधी को फॉर्चुनेट तो बोल ही सकते हैं, इनसे ज्यादा फॉर्चुनेट कौन होगा। लेकिन सेवंथ फ्रॉम लगन पदा एक चीज के लिए और बताता है, हमने जब पीछे चर्चा कर रहे थे तो ये द्वारा है,
द्वारा का संदर्भ है कि भी सामने मेरे संसार में जाने के लिए कौन व्यक्ति सुपोर्टिव है और कौन व्यक्ति मेरा अड़चन पैदा कर रहा है। वहां पर हम रिलेशंस को काउंट करेंगे कि कौन सा रिलेशन, कौन सा संबंध मेरे को संसार के अंदर ये कहें कि फल प्राप्त करने के लिए, संसार के अंदर मेरी ग्रोथ के लिए कोई अड़चन या सपोर्ट, वहां मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, संबंधियों की बात कर रहा हूँ, कौन बन रहा है, उसके अंदर जो भी प्लेनेट बैठ रहा है उसको काउंट करेंगे। गुरुजी ने हमारे को जिस वक्त करवाया था तो औरंगजेब की कुंडली ली थी, मैं देखता हूं कहीं से मेरे को मिलती है तो आई विल शेयर विद यू। सेकंड फ्रॉम अरुड़ा, ये रिसोर्सेज के बारे में बतलाता है कि मेरे रिसोर्सेज, मेरा सोर्सेज कहां से हैं, कैसे हैं, नॉट डायरेक्टली वेल्थ, मेरे सोर्सेज कहां हैं, कैसे हैं, उनकी चर्चा आएगी। मरकरी, जुपिटर और वीनस बी एग्जाल्टेड इन द सेकंड फ्रॉम लग्न पदा एंड बी विद स्ट्रेंथ विल मेक द सुपर रिच नेटिव। बेनिफिक है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, और यदि वो एग्जाल्टेड हैं लगन पदा से दूसरे में तो आगे उनकी स्ट्रेंथ भी चेक हो जाती है, आदमी को सुपर रिच बनाते हैं, बेनिफिक है, उन पर दृष्टियां भी बेनिफिक पड़ रही हो, कोई मैलिफिक नहीं हो, आरूढ़ पदा भी उसका अर्गला भी ठीक पड़ रहा हो। इफ मरकरी इज इन द सेकंड फ्रॉम आरूढ़ लगना, नेटिव विल लोड ओवर द होल कंट्री एंड बी वेरी नॉलेजेबल। यहां संदर्भ यही है कि वो पैसे से नहीं, अपने ज्ञान से संसार के अंदर अपनी जगह बनाएगा। कंडीशन, कोई मैलिफिक प्रभाव में नहीं हो, यदि मैलिफिक प्रभाव में है तो मरकरी के प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। वीनस इन द सेकंड फ्रॉम लगन पदा विल मेक वन ए पोएट और ए स्पीकर, क्योंकि वीनस भाषा का कारक है, पोएट्री, कविता, क्रिएटिविटी, तो उसका प्रभाव मिलेगा। यहां वही लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट को देखना बहुत जरूरी है, एक्सटेंशन में है, मूल त्रिकोण में है, उसके ऊपर शुभ अर्गला है या विरोध अर्गला है, ये सारी बातें हमारे को इसके साथ में स्टडी करनी पड़ेगी। यदि हम अगली क्लासेस के अंदर कुंडली ले लें तो उनके ऊपर आराम से चर्चा हो सकती है, उनको देखा जा सकता है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ कुंडलियां चर्चा के लिए निकाल लूँ, अपने भी जिसके पास हो तो कुंडलियों को निकाल सकता है, जिनको हम या तो पब्लिक फिगर हों या कोई जानते हों। नेचर एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ डेथ, थर्ड फ्रॉम अरुड़ा। अर्गला आपने पढ़ाया था सर हमें? नहीं अभी नहीं पढ़ाया जी, चौथी क्लास ही तो है अभी। नहीं, अभी अर्गला नहीं पढ़ा जी हमने। अर्गला को पहले आरूढ़ पदा से शुरू करा था, अर्गला को ले लेते हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तीसरा भाव आरूढ़ पदा से, द थर्ड साइन फ्रॉम ए एल शोज प्लेस ऑफ डेथ, द प्लेनेट्स इन इट और एस्पेक्टिंग इट बाई राशि एस्पेक्ट शो द कॉज ऑफ डेथ। अरुड़ा लग्न रिप्रेजेंट्स द बॉडी, द थर्ड फ्रॉम इट इज द एर्थ फ्रॉम एर्थ, दस शोइंग द एंड ऑफ लाइफ और सर्कमस्टांसिस ऑफ डेथ। तीसरे स्थान से, अरुड़ पदा के तीसरे से हम बड़े आराम से ये स्टडी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की डेथ के कारण क्या होंगे। प्लैनेट्स तो डेथ के कारण के बारे में बताएगा, और जो राशि है वो स्थान के बारे में बताएगी कि किस तरह के स्थान पर डेथ होगी। ये भी पता लगेगा कि वो घर से दूर होगी, घर के नजदीक होगी, इसकी स्टडी भी वो चर कारक, स्थिर कारक और द्विकारक को देख करके हम कर सकते हैं। प्लैनेट्स के हर राशियों के ये हैं कि वो कौन से स्थान की राशि है, तो उनको देख करके हम स्थान की चर्चा कर सकते हैं। ये आरूढ़ पदा के तीसरे भाव से हम स्टडी कर सकते हैं। लुक एट द थर्ड एंड एर्थ फ्रॉम एल एज वेल, यूजली द थर्ड विल डिटरमाइन डेथ, बट इफ द एर्थ इज स्ट्रॉन्गर द डेथ एर्थ वन। मतलब यहां इस लाइन से हम ये बता रहे हैं
कि नॉर्मल कोर्स में तो एएल से तीसरे भाव से ही डेथ की जानकारी पूरी मिलेगी, लेकिन कई कंडीशंस में यदि एएल से तीसरा इतना स्ट्रेंथ नहीं रखता, एर्थ इज स्ट्रॉन्गर, एर्थ की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसकी जानकारी हमारे को एएल के एर्थ भाव से मिलेगी, ना कि थर्ड भाव से। बेनिफिट्स लाइक वीनस एंड जुपिटर शोज द नेटिव वाज ऑलरेडी नोइंग द डेथ पीरियड हैज कम। रूटीन में हमने कई बार देखा होगा, कई लोग ये चर्चा करते हैं कि यार उसको तो अपनी मृत्यु का पहले से आभास हो गया था, उसको तो मृत्यु के पहले ही जानकारी थी, इसलिए उसने ये काम कर लिया। उसका कारण ये है कि कुंडली के अंदर आरूढ़ पदा से तीसरे भाव पर वीनस या जुपिटर का, क्योंकि गुरु की कृपा है, वीनस एंड जुपिटर बोथ आर द गुरु, तो गुरु से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मेरा मृत्यु की संभावना कब की है। संभावना नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट करने के लिए सिद्धियों का होना बहुत जरूरी है, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी टाइम्स क्वेश्चन कम्स इन माइंड, व्हाट कंडीशन कॉम्बिनेशन इन चार्ट इज किलिंग पीपल विद COVID-19 पेंडेमिक, जो अभी पीछे ही गया, जनरली नोटेड देम विद मून जुपिटर इन द थर्ड फ्रॉम AL। यहां यह संदर्भ है कि AL से तीसरे में अमूमन उन लोगों के मून और जुपिटर था। दिस इज श्योर कॉम्बिनेशन फॉर डेथ ड्यू टू ट्यूब्रिकुलोसिस एंड निमोनिया, कोविड का कारण भी यही था, फेफड़ों की तकलीफ, और मून और जुपिटर ट्यूब्रिकुलोसिस और निमोनिया को बतलाते हैं। मून पॉइंट्स टू पुलमोनरी डिजीज, लंग्स, चेस्ट कंप्लेंट्स, वाइल जुपिटर थ्रोट चोकिंग। और यदि किसी के सूर्य का भी प्रभाव था तो यह था कि भी सरकार की लापरवाही थी, सरकार का कंट्रोल प्रॉपर नहीं था। तो अमूमन ये पाया गया कि जिन लोगों की डेथ COVID-19 में ड्यू टू कोविड के कारण हुई, उनके एएल से तीसरे भाव पर मून, जुपिटर या सन के प्रभाव थे। अब ऐसी किसी की कुंडली अपने पास में हो जिसकी कोविड के अंदर डेथ हो गई है, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, हाँ, मैं ले लूंगी अंकल। हाँ, वो ले लेंगे तो हमारे को स्टडी करने में ठीक हो जाएगा। एएल से तीसरे से बेसिकली हमारे को कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रीमेंट्स, इसके भी जानकारी मिलती है कि उनको हम हैंडल कैसे करते हैं, इसकी भी जानकारी मिलती है। यदि एएल से तीसरे में मेरे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो ये समझ के चलो कि ऐसा व्यक्ति अमूमन अपनी तकलीफों से लड़ता नहीं है, उनको लटको कर देता है। बेनिफिक है यार, चल कोई बात नहीं, क्यों झगड़ा करना, सोल्व हो जाएगा ये काम, तो अपने आप हो जाएगा, करने दो, लटको करने का प्रभाव आ जाता है। और यदि बेनिफिक है तो वो उन परिस्थितियों के साथ में पूरी ताकत के साथ में लड़ता है, जैसा प्लैनेट है, जैसे मार्स अगर प्लैनेट है तो भाई हथियार से लड़ देगा, शनि है तो सामने वाले को दुख देके लड़ेगा, राहु है तो शोक, झटका, चीटिंग, इस तरह से लड़ेगा, जैसे प्लैनेट का प्रभाव है। और यदि जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति लेट गो कर देगा, छोड़ो यार, माफ कर दो, क्या जरूरत है झगड़ा करने की। अमूमन सन्यासियों की कुंडली में ये देखा गया कि उनके तीसरे और छठे भाव में बेनिफिक है, एएल से तीसरे छठे में। तीसरे में अगर कोई ना हो तो उसके राशियों का प्रभाव देखेंगे, लॉर्ड का भी प्रभाव देखेंगे, उनका प्रभाव तो देखेंगे कि। और इसमें भी है कि अगर मैलिफिक के ऊपर बेनिफिक की दृष्टि आ रही है तो मिक्स प्रभाव है, लड़ाई करने की उसकी प्रवृत्ति के अंदर फर्क पड़ जाएगा। और यदि बेनिफिक के ऊपर मैलिफिक का प्रभाव आ रहा है, मतलब अगर कॉम्बिनेशन है तो प्रभाव उसी रंग से परिवर्तन लेंगे। ये तो है, ये जैसे ही हम कहीं पर भी प्लैनेट्स की चर्चा कर रहे हैं, यदि कहीं कोई प्लैनेट नहीं है, क्योंकि राशि दृष्टि अमूमन हर भाव पर पड़ी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है राशि दृष्टि भी नहीं होती। जब राशि दृष्टि भी नहीं है तो लॉर्ड तो है, लॉर्ड तो कहीं जाकर के बैठ रहा है, किसी के साथ में कंजंक्शन बना रहा है। ये हम चौथा भाव लेते हैं,
एल से, ठीक है सर, हैप्पीनेस एंड प्योर सोल फोर्थ फ्रॉम अरुणा, वीनस एंड द मून इन द फोर्थ फ्रॉम आत्मा कारक की भी यहाँ चर्चा आ गई, हमने अभी करा नहीं है लेकिन चर कारक है, थोड़ा बहुत समझते हैं हम। यदि आत्मा कारक से चौथे भाव में या अरुण लगन से चौथे भाव में या जन्म लगन से चौथे भाव में वीनस या मून है, क्योंकि ये उनका दिग्बली स्थान है वीनस और मून का, तो प्रॉस्पेरिटी पावर एंड वेल्थ के बारे में दर्शाता है। वैसे भी जल कारक प्लैनेट्स हैं दोनों, उनकी दिग्बली भी हैं और 4, 8, 12 जल तत्व को शो भी करते हैं, तो यहां से जल तत्व स्टेबिलिटी भी देता है, प्रॉस्पेरिटी पावर और वेल्थ के पता लगेगा। वीनस एंड मून द टू प्लैनेट्स गवर्न्ड बाय द वाटरी एलिमेंट्स रूल्स ओवर कंफर्ट एंड लग्जरी, बेनिफिक्स इन द फोर शो प्योर हार्टेड पर्सन। अब बेनिफिक्स हैं तो ये बताते हैं कि ये व्यक्ति दिल से बहुत साफ है, बड़ा सरल हृदय है, किसी को जानबूझ के हृदय दुखी नहीं करना चाहता, कोई चीटिंग नहीं करना चाहता। फोर्थ हाउस इज द सुख स्थान और द हाउस ऑफ हैप्पीनेस, द फोर्थ लॉर्ड इज द प्रोटेक्टर ऑफ हैप्पीनेस एंड व्हेन इट एस्पेक्ट्स द अरुणा इट मेक्स द नेटिव हैप्पी एंड कंटेंटेड। यदि चौथे का लॉर्ड अरुण पर दृष्टि डाल रहा है राशि दृष्टि विशेष रूप से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नेटिव, ये जातक सदा प्रसन्न मुख रहता है, खुश रहता है, जिंदा दिल व्यक्ति है। 8 बज के कंटिन्यू करें या ये जन्म लगन है कि नहीं असेंडेंट है कि मून, मून लगन, ये सर अरुण लगन की चर्चा हो रही है हमारी, नहीं, जन्म जन्म लगन जन्मा लगन, जन्मा लगन मून से आएगा जी, राशि जिसे राशि लगन भी कहते हैं ना, नहीं राशि लगन नहीं है, मून लगन, सर मून जहाँ बैठा हुआ है वही के मून से देखना है, मून जहाँ बैठा हुआ है वही, अच्छा सॉरी नहीं नहीं ये जन्म लगन है, सॉरी सॉरी ये राशि का जन्म लगन है। ये कैसे निकाले हम जैसे, नहीं 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 तो नॉर्मल है जी, जो लगन लगन है B1 में असेंडेंट को जन्म लगन बोला कि आप मून जहाँ बैठा उसको जन्म लगन, असेंडेंट को, असेंडेंट को, यस असेंडेंट को, असेंडेंट की चर्चा करिए। इससे आगे चलें, आज 1 घंटा हो गया, क्लास को कंटिन्यू करें या आज की कोई क्वेश्चन रह गया तो उसको, नहीं नहीं ठीक है, ब्रेक करें ना, ब्रेक कर, मेरे के लिए उचित रहता है 1 घंटे की क्लास रखें तो बोरिंग नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी थोड़ा इसको रिकॉर्डिंग, अंकल रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।